भविष्य के सभी अध्यापक साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी को, पर्यावरण अध्ययन की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है कक्षा 5 की। तो इसके हम 3 चैप्टर पहले डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 1, 2, 3, और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 4, 5 और 6। इन तीनों चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे मिले हैं वो मैंने पहले ही आपके लिए निकाल कर रखे हैं, क्योंकि हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। इसके बाद काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो भी हमें कवर करने हैं। इसके अलावा बाल विकास का पूरा संपूर्ण कोर्स है ग्राफिक्स और एनिमेशन की सहायता से, वो भी चल रहा है, वो भी कंप्लीट करना है हमें। 14 लेक्चर्स उसमें हो चुके हैं, उसमें पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और पहले चैप्टर से एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो बुक्स की जो मैं समरी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, इसकी जो प्लेलिस्ट है वो बनाई जा चुकी है। तो क्लास 4 की एनसीईआरटी की अलग है, क्लास 5 की एनसीईआरटी की अलग है, तो इस तरह से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जो बराबर में हमारे ताऊजी के घर है, यहाँ पर रामायण का पाठ हो रहा है, तो उसकी आवाज़ आपको आ सकती है। तो रामायण चल रही है और हमें भी वहाँ पर पढ़ने जाना है, तो इसकी आवाज़ आ सकती है। तो ये आज की इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आप सीधा फोकस करिएगा जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा, केवल उन पर। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 से। देखिए, एक चीज़ ये है कि आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला, आपको ये जो मैं समरी दे रहा हूँ वो कैसी लग रही है, सीख रहे हो या फिर नहीं देख रहे हो, इसका नीचे कमेंट्स करके मुझे बताया करिए हर एक वीडियो में कि आप क्या सीखना चाहते थे, क्या सीखने को मिला, क्या नई चीज़ है, क्या पुरानी चीज़ है, क्या चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है। तो थोड़ा सा मतलब नीचे कमेंट्स करते रहा करिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम है, तो इसलिए मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई आराम से कर पाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि मतलब जो चैप्टर था वो था मतलब अचारों से संबंधित, किसी भी चीज़ को किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं, तापमान का उस चीज़ पर क्या प्रभाव पड़ता है, नमी का खाने की चीज़ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए शिक्षक के लिए एक संकेत दिया गया था कि प्रयोग करते समय कमरे में हवा का क्या तापमान है। जैसे आप किसी कक्षा में कोई भी प्रयोग कर रहे हो, किसी भी खाद्य पदार्थ से संबंधित खाने की कोई चीज़ है, तो उसमें नमी कितनी है यह भी इनसे भी अंकुरण होने के समय में अंतर आ सकता है। यानी कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ का अंकुरण कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं जो कमरा है उसके तापमान पर और उसमें कितनी नमी है, ठीक है, कम नमी है, ज़्यादा नमी है, तो ये डायरेक्ट अफेक्ट करेगी कि चीज़ कितनी जल्दी तैयार होगी, कम देर में तैयार होगी या ज़्यादा देर में तैयार होगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें ये है, खाना कब खराब होता है, तो इस चीज़ों का पता आपको लगाना है बच्चों से, उनके अनुभव किस तरह के हैं इस फील्ड में, और आपको इसमें ये भी अंतर उनको बताना है कि खाना बर्बाद होना और खाना खराब होना इसमें अंतर क्या है। देखिए, खराब खाना तब होता है जब वो खाने योग्य नहीं होता, बर्बाद खाना उसको कहते हैं जब वो खाने तो योग्य होता है लेकिन उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। तो खाने के योग्य जो खाना होता है उसको फेंक देना बर्बाद होना होता है। पाठ में ब्रेड से किया गया प्रयोग शुरू में ही किया जा सकता है, प्रयोग को शुरू करके छः दिन तक चलाना है। यानी कि देखिए, यहाँ से ब्रेड से हमें एक चीज़ देखने को मिली, जो भी ब्रेड से संबंधित जो चीज़ें हैं प्रयोग करते हैं तो ब्रेड 6 दिन के बाद खराब हो जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, कि शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो, नमी वहाँ से निकल जाए। अगर किसी चीज में थोड़ा सा पानी रह जाए तो क्या होगा, जो ब्रेड वाला तुम्हें प्रयोग है वो याद है ना, यानी कि इसका मतलब ये है जो ब्रेड से प्रयोग किया गया था कुछ दिन बाद वो खराब हो जाता है, क्योंकि जो वातावरण है उसमें नमी थी, और अगर ऐसे ही शीशी में अगर नमी रह जाती है, थोड़ा सा पानी रहता है, तो वो भी जो शीशी में जो भी चीज़ आप रख रहे हो वो भी खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर आम के बारे में, देखिए आम के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार होती है, इसका लोग कैसे कैसे क्या चीज़ें बनाते हैं, वो कौन सी जगह है, वो सारी बातें भी हैं आगे। तो आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका क्या बनाया जाता है, अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि चीज़ें बनाते हैं, और उस खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक के लिए अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। यानी कि ये केवल उसी के बारे में था, ये जो पहला आप स्लाइड देख रहे हैं ये उसी बारे में था कि कोई भी खाद्य पदार्थ होता है तो वो डिपेंड करता है उसकी खराब कब तक होगा, जब तक हो जाएगा जब तक वहाँ पर जो नमी है, उसके जो वातावरण है उसमें नमी है तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है, केवल ये था। अब यहाँ पर फैक्ट जान लेते हैं, ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है आत्रेयपुरम, ठीक है, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का आत्रेयपुरम गांव है, यहाँ पर चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू, तो इससे आप ये पता लग सकते हैं कि इस तरह के वहाँ पर नाम होते हैं। इन्होंने बनाया है मामिड्री तांड्रा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि मामिड्री तांड्रा किसको कहते हैं। चलिए, छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। अब यहाँ से हमें ये बात पता चलती है
कि आंध्र प्रदेश का जो आत्रेयपुरम गांव है वहां पर क्या है, आम के बाग हैं, आम की फसल वहां पर बड़े मात्रा में होती है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं तो उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर, तो ये मतलब वो सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, उनके घर पर उनकी अम्मी कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती है, वे आम को अचार भी तीन तरह से पकाते हैं। अच्छा फलों, अच्छे नीचे आप कमेंट्स में आंसर करेंगे, ढूंढ के कर सकते हैं, ठीक है ढूंढ लेना, अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आता तो आप ढूंढ सकते हैं कि फलों को पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो नीचे बताएंगे आप नीचे कमेंट्स में, ठीक है उसका नाम बताएंगे उस जो भी वो हो। आम का यह अचार साल भर तक चलता है आम के मौसम आने तक। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू हैं जो आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गाँव के हैं, वहाँ पर आम की खेती सबसे ज़्यादा होती है। वो आम से क्या बनाते हैं, मामिडी तांड्रा इसको बोलते हैं आम पापड़। तो आम पापड़ तो आपने देखे होंगे, तो आम पापड़ को ही बोलते हैं मामिडी तांड्रा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चलो यहाँ पर ये है कि ये सब बनाएंगे, और इन सब के लिए ये जो बनाते हैं मामिडी तांड्रा जिसको आम पापड़ बोलते हैं, इसमें 4 हफ्तों का समय लगता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आम पापड़ है उसको बनाने में 4 हफ्तों यानी कि लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। और यहाँ पर जो चीज़ें आम पापड़ बनाने में काम आती हैं वो है चटाई, कैचुरीना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़, चीनी, ये इसमें डाले जाते हैं। जो आम पापड़ बनाया जाता है आपने देखा होगा मीठा मीठा होता है, तो गुड़, चीनी वगैरह, नारियल के से बनी रस्सी वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप इतना याद रखिएगा इस पॉइंट से केवल कि आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में आम की जो आम के जो बाग हैं वो होते हैं, और वहाँ पर इस तरह के नाम होते हैं चिन्ना बाबू, चिट्टी बाबू, और वहाँ पर इनसे मामिडी तांड्रा भी बनाया जाता है जिसको बोलते हैं आम पापड़। अब देखिए ये तो आपके परीक्षा में आ ही चुका है, सीटेट में भी आ चुका है आपकी परीक्षा में। तो इसमें यह है कि ये पौधे का नाम है नेपथिन्स, ये पौधा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में, तो 3 जगहों पर ये पौधा पाया जाता है। और भारत में अगर पूछ ले कि भारत में कहाँ पर पाया जाता है, तो मेघालय राज्य में ये पौधा पाया जाता है। ये क्या करता है, चूहो, मेंढक, कीड़े मकोड़े, छोटे जो जीव होते हैं उनका शिकार करता है पौधा। तो इसके बारे में खैर आपको पता ही होगा, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, आप देख सकते हैं ये ढक्कन है, और ये नीचे इसमें से जो खुशबू निकलती है, तो इसमें जैसे ही कोई भी अंदर घुसता है तो यहाँ से ढक्कन बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये शिकार करता है, काफ़ी चतुर पौधा है, ठीक है याद रखेंगे। नेपथिन्स पाया कहाँ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में। भारत में कौन सी जगह पर, मेघालय में। चलिए यहाँ पर अगला पॉइंट ये हमारा, इसमें ये था जो ये वाला जो चैप्टर था, इसमें ये था कि जो फसलें होती हैं उसमें कुछ फसलों में ऐसा होता है कि उसका बीज अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि वो अपने आप से कुछ फसलें अपने बीज को दूर छिटक देती हैं और उनसे कुछ आवाज़ें भी होती हैं। तो इन आवाज़ों पर था कि किस बीज से किस तरह की आवाज़ हो रही है, इस तरह से बच्चों को कनेक्ट कर रहे थे लोग। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो सोयाबीन की कलियाँ हैं वो पककर सूख जाती हैं तो छिटक कर बिखरने लगती हैं। तो सोयाबीन की जो फलियाँ होती हैं तो हमें फलियों को निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप दूर छिटक जाती हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आवाज़ थोड़ा सा काफ़ी याद आ रही है, चलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए ये है, देखिए आपने ये जो ये क्या दिख रहे हैं आप, सैंडल, और ये सैंडल में आप ये चीज़ जो जो देख रहे हैं, जो चटर करती है, जो मतलब चिपक जाती है, और चिपकाने से इसकी जो आवाज़ होती है तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसको खेलते हैं, तो इसको बोलते हैं वेलक्रो। क्या बोलते हैं इसको, वेलक्रो। तो जो सैंडल्स में जो चिपकाने के लिए होती है, या फिर बैग्स देखे होंगे, बैग्स में ये चटर सीन एकदम से चिपक जाती है, चटकनी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि किसने बनाया इसको, कहाँ बनाया और कब बनाया। इसका नाम तो मैंने आपको बता दिया कि वेलक्रो है, ठीक है। तो ये घटना है 1948 की, एक दिन जॉर्ज मेंट्रल, नाम याद रखेंगे जॉर्ज मेंट्रल, आप मेंटल से नाम याद रख सकते हैं कि जॉर्ज एकदम मेंटल थे, उन्होंने ये चटर करने वाली चीज़ बनाई है, ठीक है। अपने कुत्तों के साथ शहर से लौटे उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। अब देखिए ये जो बीज चिपकने वाली बात है, ये कौन सी बीज है, ये वो बीज है जैसे आपने गांव में देखा होगा, एकदम जो एक तरह का मतलब उस साइज़ का होता है, जैसे आपने निवौरी देखी है, पेड़ से जो नीम के पेड़ से निवौरी होती है, ठीक उसी तरह का होता है, लेकिन उस पर जो नुकीली नुकीली जो कांटे से लगे रहते हैं, और वो क्या करते हैं, आप फेंक के मारते हो तो वो किसी के ऊपर चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा एकदम जब इस ये जो फसल आती है, आपने एक तो वो देखा होगा, एक वो जो झाड़ियों में लगे रहते हैं जो हरे हरे कलर के होते हैं, वो चिपकाते हो आप, और एक तरह का वो बीज सा होता है, वो आप फेंक के मारते हो और जो क्या होता है किसी की भी शर्ट से चिपक जाता है। तो वो बीज यहाँ पर जॉर्ज मेंटल के कुत्ते पर चिपक गया।
इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपकाकर देखकर वह हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला उन्होंने बीजों की बारीकी से देखने के लिए। बीजों को छोटे छोटे हुक बने थे, यानी कि वही हुक की बात कर रहा है जो छोटे छोटे उस पर कांटे होते हैं जिससे वो चिपकता है। इसकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेंटल को आइडिया आया कि उनको वेलक्रो बनाना है। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं, खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते कपड़े जूते पट्टे आदि का इस्तेमाल किया होगा। मज़ेदार प्रकिस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का है। तो यानी कि यही बात इसमें हो रही है कि जो ये वाली चीज़ है चिपकने वाली, इसको बोलते हैं वेलक्रो। किसने बनाया इसको? तो जॉर्ज मेंट्रल ने बनाया इसको 1948 में बनाया, जब उनको घटना उन्होंने देखी कि जो भी छोटे छोटे थे कि इस तरह का होता है, मैं बता देता हूँ इस तरह का होता है और इस पर काफ़ी सारा काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं। तो किसी भी पर जो जब आप इसको फेंक कर मारते हो, आपने देखा होगा गाँव में हमने खूब सारे ये देखे हैं और खूब सारे फेंक फेंक कर भी मारे हैं, हमने बहुत खेले हम इससे। तो ये जो होता है इसको फेंक कर मारते हैं और ये क्या करता है, जाकर सीधा चिपक जाता है। तो इस से ही उसको उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने वेलक्रो बनाया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये एक घटना है यहाँ पर जो तालाब के लिए, ठीक है। तो तालाब तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो ये है 650 साल पुरानी एक घड़ीसर, इसको बोलते हैं घड़ीसर को तालाब। तो 650 साल पुराना एक तालाब था जो जैसलमेर, जो राजस्थान का जैसलमेर है, वहाँ के राजा घसड़ी ने अपने लोगों के साथ मिलकर बनाया था। अब यहाँ पर आपको पता लग गया कि घसड़ी सर क्या है। घसड़ी सर एक तालाब है जिसको जैसलमेर के राजा घसड़ी ने बनाया है। इसके दोनों तरफ पक्के घाट हैं सजे हुए। अब अच्छा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मतलब वो बताऊंगा मैं सारी चीज़ें, फोटो दिखाऊंगा आपको। सजे हुए बरामदे हैं, कमरे हैं, बड़े हॉल हैं, ना जाने क्या क्या है। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी यहाँ पर होता था। इनके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखें कि तालाब गंदा ना हो और सफाई के लिए बांटते थे। तो यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल ये है, जो घसड़ी सर है वो तालाब को बोलते हैं और ये जैसलमेर के राजा घसड़ी ने बनवाए थे, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर अभी आगे दिखाऊंगा। अब देखिए ये जो चैप्टर था आपका, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी गई थी कि जैसे कोई भी हम फसल कर रहे हैं, जैसे मिर्च की फसल कर रहे हैं, कोई भी फसल कर रहे हैं, तो इनके जो बीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए नहीं जाते, वो अपने आप पहुंच जाते हैं या फिर इंसानों के द्वारा कहीं दूसरे देशों से लाए गए होते हैं। तो यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर जो लास्ट वाला पॉइंट है केवल वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको इसको पढ़कर बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से एक समझ आपकी विकसित हो जाएगी। बीजों को बिखरने वाली सूची में क्या तुमने हमें, यानी कि इंसानों को शामिल किया गया है? हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, यानी कि बीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक इंसान पहुँचाते हैं अनजाने में जानबूझकर भी। देखिए ये जो पॉइंट है आपका सीटेट परीक्षा में एक बार पूछा गया है, जो बीज हैं एक दूसरे इंसानों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाते हैं। कोई पौधा खूबसूरत लगे या फिर कोई पौधा दवाई उपयोग हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं या पौधे बड़े होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो केवल मैं आपको बता देता हूँ। जो मिर्ची के बारे में आपने सुना है, तो मिर्ची को भारत में कौन लाया था? तो मिर्ची को भारत में लाए थे पुर्तगाली और दक्षिण, ये जो दक्षिण अमेरिका के व्यापारी हैं वो। तो मिर्ची को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? दक्षिण अमेरिका के व्यापारी और पुर्तगाली देशों को। उन्होंने मिर्ची के बीज जो है वहां से लाकर यहां पर उगाए थे, उसके बाद हमें ये मिर्ची यहां पर प्राप्त हुई थी, ठीक है। अब किस्सा है अलबरूनी का। अलबरूनी एक यात्री था जो भारत में आया था और इसकी पुस्तक वगैरह है, ये एक यात्रा वृत्तांत, जो भी यात्री होते हैं वो यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। जैसे आप किसी यात्रा कर रहे हैं तो जिस यात्रा कर रहे हैं जहां पर भी उसके बारे में अपने अनुभव लिखना, उसको बोलते हैं यात्रा वृत्तांत। तो अलबरूनी ने भी इस तरह से भारत आया और उसने भी अपनी पुस्तक वगैरह में यात्रा का वृत्तांत लिखा, तो वहाँ से भारत के बारे में कई सारी जानकारी हमें मिलती है। तो सबसे पहले 1000 से भी ज़्यादा साल पहले की बात है जब ये यात्री भारत आए थे। इनका नाम था अलबरूनी और ये आए थे उज्बेकिस्तान से, ठीक है। कहाँ पर है उज्बेकिस्तान, मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगला पॉइंट भी वही है हमारा। अलबरूनी ने बहुत सी बारीकी चीज़ों से जगहों को देखा था और उनके बारे में लिखा था। खास तौर से वे उन्हें अपने देश से अलग लगी। यहाँ देख अलबरू ने तालाबों के बारे में, अच्छा यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अलबरू ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा। तो यहाँ पर जो उन्होंने तालाब देखा था उस चीज़ से अलबरूनी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तालाब के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे।
बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों से लोहे के कुंड हैं, सरियों से जुड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए गए हैं। इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे हुई जाती हुई सीढ़ियाँ लंबी कतारें होती हैं, लोगों को चढ़ने उतरने में रास्ते में अलग अलग होते हैं, यहाँ कभी भीड़ लगने की परेशानी ही नहीं होती। तो ये सब लिखा था तालाब के बारे में अलबरूनी ने। अब यहाँ पर जो हम इतिहास पढ़ते हैं वो अलबरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है हमें। और एक जो राजा थे, उन्होंने 1900, यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है कि 1973 में छपी थी एक डाक टिकट, जो डाक टिकट है वो 1973 में छपी थी उनके जन्मदिन के समय। तो आप ये याद रखिएगा डेट, 1973 में पहली डाक टिकट छपी थी। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो तालाब वगैरह थे पिछले ज़माने में किस तरह के होते। तो आपने, आप ये फोटो देखिए, इस फोटो में कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं, ये तालाब नहीं है, सॉरी ये कुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वो कुआ नहीं खोदते थे, जो राजस्थान का इलाका है वहाँ पर कई सारे जगह ऐसी होती थी वहाँ पर वो कुआ नहीं बनाते थे, इस तरह का कुआ बनाते थे और इस तरह के कुएं में सीढ़ियाँ लगा देते थे। देखिए कोई भी आ जा सकता है, तो मतलब रस्सी का काम नहीं था कि रस्सी से पानी निकालना है, रस्सी के बिना भी पानी निकाला जा सकता। अब ये जो तालाब आप देख रहे हैं, सॉरी कुआ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बावड़ी। तो ये एक तरह की बावड़ी है जो चित्र में दिखाई गई है। यहाँ पर सीढ़ियाँ जमीन के नीचे मंजिल तक जा रही हैं, कुएं की कोई आवश्यकता नहीं है, पानी खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है, लोग सीढ़ियों से उतरकर कुएं की तरह वहां पर जाते थे और पानी भरते थे, इसलिए इसको सीढ़ीदार कुआ भी कहा जाता था। अब यहां पर मैं बताता हूं, ये है उत्तराखंड की एक शादी हुई है कहीं पर किसी की, और वहां पर ये जो पानी की पूजा करने के लिए कोई आया है, वहां पर जो दुल्हन है वो पानी पर पूजा करने के लिए आई है, जो पहाड़ों से पानी निकल रहा है यहां पर से वो पानी भर रही है। तो उत्तराखंड में एक दुल्हन है, ब्याह के बाद नए गांव में आई है, वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है यानी कि पूजा करती है। तो ये एक तरह का रिवाज है, शहरों में भी एक तरह का रिवाज है कि यहाँ पर दुल्हन वगैरह होती हैं, जहाँ से पानी मिलता है वहाँ पर जाकर पूजा करती हैं और पानी की पूजा करके वहाँ से पानी भरती हैं। तो इस तरह के कई सारी रिवाजें हैं जो उत्तराखंड के कई गाँव शहरों में देखी जाती है। अब बढ़ते हैं हमारा आखिरी पेज की तरफ। तो शिक्षा के लिए एक संकेत है, अलबरूनी किस की किताब किस तरह से इतिहास के बारे में जानने में मददगार है, तो इस तरह से बच्चों को बता सकते हैं आप। इसके अलावा इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं वो भी आप बच्चों को बता सकते हैं। देखिए इतिहास के जो स्रोत हैं उसको दो तीन भागों में विभाजित किया गया है, जैसे सिक्के वगैरह है, चित्रकारी है, वहाँ के दस्तावेज हैं और वहाँ पर खनन करने वाली चीज़ें हैं, तो इन सभी से इतिहास के बारे में पता लगती है। अब देखिए जो हमारा चैनल है वहाँ पर इतिहास की दो इंपॉर्टेंट वीडियो डली हैं, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, उन प्लेलिस्ट को देखिएगा, वहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको भी कवर कर रखा है हमने और इतिहास के स्रोत हैं उसको भी कवर कर रखा है। तो वहाँ से आपको इतिहास के स्रोतों के बारे में पता लग जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि जो हमारे भारत देश है, हमारे भारत देश के इतिहास के बारे में कहाँ से हमें जानकारी मिली है, तो वो भी आपको वहाँ पर पता लग जाएगा। यहाँ पर उज्बेकिस्तान को संसार के नक्शे में ढूंढने के लिए बच्चों, देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखिए ये जो भारत है आपने इस तरह का भारत देखा होगा, तो यहाँ पर क्या है पाकिस्तान, यहाँ पर क्या है अफगानिस्तान, तो इस तरह जो उसके भी ऊपर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान इस तरह से हैं, उसके बाद क्या है पूरा रशिया है। तो इस तरह से ये जो देश है किस्तान, किस्तान बाद में आता है, ये भारत के थोड़े से ऊपर तक की तरफ है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इतिहास से, जब 1986 में राजस्थान में एक शहर है जोधपुर, देखिए जो राजस्थान है उसको 7 भागों में विभाजित किया गया है, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर इस तरह से, ठीक है। तो 7 में से एक है जोधपुर और इसके नाम लगभग सभी को याद रहते हैं क्योंकि 7 ही है केवल और 7ों के 7ों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जोधपुर है, जोधपुर के आसपास इलाकों में सूखा पड़ गया था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को, जो बावड़ी बोलते हैं एक तरह का, अभी मैंने आपको जो वो दिखाया था, अभी जो कुआ दिखाया था सीढ़ीदार वाला, तो एक तरह से फिर से उनको याद किया गया था। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला, 200 ट्रक से भी ज़्यादा बावड़ियों में से कूड़ा निकाला गया, ये लोगों ने तब किया था जब वहाँ पर सूखा पड़ गया था और जो शहर है पूरा फिर वो दोबारा से बावड़ियों से पानी पीने लगा था। चंदा भी ये लोग मोहल्ले में ही इकट्ठा करते थे, इसके बाद से अच्छी बारिश हुई, मतलब फिर ये हो गया था कि अच्छी बारिश होगी पिछले साल तो परेशानी कम होगी लोगों की, फिर से बावड़ियों को लोगों ने भुला दिया। तो यहाँ पर ये इंसान की वो होती है फितरत के, जो जिस चीज़ से उसको मतलब ज़रूरत होती है केवल उसी को तब तक याद करता है और जब तक उसकी ज़रूरत खत्म हो जाती है तो वो उसको भूल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फैक्ट याद रखिएगा, 1986 में जोधपुर में जो बावड़ियाँ हैं उनको खोला गया था जब वहाँ पर सूखा पड़ गया था। अब देखिए एक कहानी था, एक चैप्टर में ये कहानी थी कि ये है दड़की माई, आप छोटा सा इसमें देख सकते हैं, मतलब फोटो साफ नहीं है, मतलब इससे समझ जाइए कि दड़की माई है कोई। इन्होंने राजस्थान के अलवर जिले में जब सूखा पड़ गया था
तो वहां पर लोगों को कुएं कुएं वगैरह हैं पानी खींचने के लिए, उन्होंने बताया कि कुएं वगैरह का जीर्णोद्धार किया, उन्होंने तालाबों को बचाने के लिए कई सारे प्रयास किए। तो इस तरह की इनकी कहानी है दड़की माई की, जिन्होंने पानी के लिए काम किया राजस्थान के अलवर में। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिए बताना चाहता हूँ वो ये है कि तरुण भारत संघ एक संस्था है जो कि पानी से संबंधित है, जो कि जो भारत में जो पानी की जो भी कमी आती है या फिर पानी के लिए जो भी प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं उनसे संबंधित है तरुण भारत संघ। तो आपका प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि तरुण भारत संघ संबंधित है तो पर्यावरण बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए, जीवों को बचाने के लिए। तो आपको याद रखना है कि तरुण भारत संघ जो संस्था है वो पानी से संबंधित है, जल से संबंधित है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।